हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो पजलर व्लॉग। सब करते सब बढ़िया होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से जनवरी के साथ। तो भाई अपडेट आ रही है, वो हमारी गुवांडी की तरफ से आ रही है। कौन से गुवांडी भाई? 26 के व्लॉग। हाँ गाइस, कल हमने उनकी वीडियो देखी और ऐसे चिपकते नजर आए हमको। ओ भाई, ओ भाई, उठ गया। और गाइस आप ये छोटी सी क्लिप ही देख लो। थारा भाई जोगिंदर की साइड से, थारा भाई जोगिंदर UKG07 राइड को सपोर्ट करते हुए दिखे और मानुवर फराउकी के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री दिखे। तो भाई अगर आप भी घर में ऐसे चिपकते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है हमारे आलिन भाई और सेम भाई की तरफ से। जैसे कि गाइस आपने देखा होगा उन्हें 50 की सेलिब्रेशन करते टाइम आंख में केक डाल के एक आंख से उनको इंजर कर दिया। क्या बोला तूने? और आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। मर गया। सांप की मौत होगी। गाइस सांप जिंदा है, आंख में चला गया। ओ भाई सांप मौत होगी यार, ये क्या था यार भाई। तो भाई जो केक खाना रहता है वो हमसे DM करें, अंकुश भाई इनको फ्री में केक खिलाएंगे। अंकुश भाई खिलाएंगे भीर पेनी जेवे च फिर उल्लू पास करना रहना है यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है अपने अनुज भाई की तरफ से। जैसे कि आपने देखा होगा उमर भाई की जो फैन बेल्टी ट्रक की वो टूट गई थी और उन्होंने क्या किया, अनुज भाई ने और गौरव भाई ने, उनके पास पुरानी पड़ी हुई थी उनको दी काम चलाने के लिए। बाकी मेरी बेल्ट की बक्कर टूट गई, तूने मुझे बेल्ट दिया? बक्कड़ नहीं बक्कर लेती है, मैं तुझे बेल्ट ही लाके दूंगा। तो नहीं लाके देगा? गाइस आप पहले उनकी छोटी सी क्लिप भी देख लो फिर इसका करेंगे हिसाब किताब। निकाल के रखी थी आगे डालना सामने भी डीजल, पीछे भाई उम्र भाई ने फोन किया उनकी फैन बल्ट टूट गई और अपने पास एक पुरानी बची हुई थी, मैं जल्दी से सीटें उठाई और ये बाइक का हथियार। गाइस किसी के पास अगर पुरानी बेल्ट है तो वो मुझे कुरियर कर दो। तुझे हर चीज कुरियर में चाहिए ना, कभी मेरे से कभी किसी से, इसी के साथ तुझे पीटा हो ना। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आमिर माजिद की तरफ से। जैसे कि आपने देखा होगा आमिर भाई का बाइक R1 जो है वो आ नहीं रहा था, बड़ी टाइम हो गया और उन्होंने नागपुर के बंदे के ऊपर केस करने के लिए जा रहे थे, बट इतने में उनको इतना तगड़ा सरप्राइज मिल गया। और आप ये छोटी सी क्लिप भी देख लो। कुछ चीज लाई है, कुछ सरप्राइज लाया है। मैंने कहा बताओ सी बाइक है भाई, कौन सी बाइक है? गेस करो ना शेप देख के। ZX10R ही लग रही है। ये कौन सी बाइक है? अरे गाइस आपको कौन सी बाइक सबसे अच्छी लगती है और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ऐसे बोल रहा है जैसे हमारे पास सारी बाइक कलेक्शन है, तो ये हमें बताएंगे तू ना भाई अब। सो गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है अपनी जट प्रभजोत भाई की तरफ से। जैसे कि आपने देखा होगा क्लिप में भाई ने जो छोटा सा पौधा था उसको गधा बना दिया, और अब छोटी सी क्लिप भी देख लो। चलो ये तो ठीक है, अब ये क्या नई बसूड़ी है पहले ये बताओ? बसूड़ी थोड़ी है, क्या पौधा है? गधा है? गधा क्या पौधा, है ये? पौधा है ये, कौन सा पौधा और ये क्यों लेकर जा रही हो? ये घर लेके जा रही हूँ, मुझे अच्छा लगा था। बताओ सामान हमारा पूरा नहीं आ रहा, यहाँ से पौधे भी लेके जा रहे हैं। 3 राइडिंग जैकेट, 2 राइडिंग पैंट, राइडिंग शूज, दुनिया भर का सामान है। 3 हेलमेट, मेरा समीरन का इसका, इतना सारा सामान है। और जो सामान अलग लेकर आए इतना सा तो है ये? नहीं नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, जगह तो घेरे गई। बताओ कितनी घेर लेगा सीट की बराबर? आ जाऊँ इसको वहाँ जाके निकाल दूंगा। आप तो हकते रहो सारा दिन। वाओ वेरी डेंजरस। सो गाइस ये देखो हम कोड़ा लेके आए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये तुझे कौन से एंगल से कोड़ा लग रहा है वो? भाई मारे भाई अगर पौधे को गधा बना सकते तो हम इस पत्थर को कोड़ा नहीं बना सकते। ओ यार बड़े यूट्यूबर है तू, फिर वही बातें करता है। तो सही बात है यार, वो यूट्यूबर है हम छपरी है। हाँ भाई टकला जबरी टकला। सो गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है राजा की साइड से। क्या राजा महाराजा? ओ राजा DCG के साइड से। सो गाइस जैसे कि आपको पता होगा उनने 1 मिलियन पे ZX10R लेनी है, और अब भाई की छोटी सी क्लिप भी देख लो। और मिलियन आपके हाथ में भाई, जब मिलियन कराओगे तो ये मॉन्स्टर अपने हाथों में होगा और बहुत प्यारी गाइस इसकी, मतलब देखते हैं। मैं एक ही लेते हैं। एक ही
और गाइस बस मेरी 10 आवर में पता क्या फ़र्क होगा, मैं आपको आज पहले ही बता देता हूँ। जब भी मेरे पास 10 आवर होगी, एक तो मेरी 10 आवर पर ये टेल लाइट नहीं होगी और आगे ये एंगल नहीं होगा और ये दो शीशे नहीं होंगे, ये आपको मैंने पहले बता दिया। चाहे मैं डिलीवरी लूँ तब भी नहीं होंगे शीशे, आई डोंट लाइक मिरर। राजा भाई ने बोला है कि जब भी मैं बाइक लूँगा बिना शीशे वाली बाइक लूँगा। सो गाइस वो तो 1 मिलियन पे ला रहे हैं ZX10R, वो भी बिना शीशों वाली। आप हमारा 1K करवा दो, हम भी बिना कान वाला कोड़ा खरीदेंगे और बिना पूंछ वाला कोड़ा लाएंगे इस जैसा। तो गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है सौरभ जोशी की तरफ से। जैसे कि आपने देखा होगा सौरभ जोशी भाई, इनको पहले तो कोई इसने 500 के नोट का स्कैम कर दिया, पूरे 500 रुपया, से कोई 20 रुपए भी कोई नहीं। क्या बोला तूने? और साथ में सौरभ जोशी भाई ने हमें बताया कि उनने पटाखे सारे एक पेटी में पैक करके रख दिए, कोई नहीं फटाएंगे। और अब छोटी क्लिप ही देख लो। किसके साथ? पता नहीं किसने दे दिया मेरे साथ, पता नहीं किसने दे दिया, मैं चेक नहीं किया ना लेते हुए। स्कैम हो गया सच्ची में, 500 रुपए का स्कैम हो गया। गाइस न्यूज आई है कि पूरे इंडिया में पटाखे बैन हो चुके हैं, तो हमने इतने सारे पटाखे लिए थे तो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों लेके आया। इससे बढ़िया मैं कुछ जरूरतमंदों के लिए कुछ चीजें ले आता, जैसे हम कंबल लेके आया आज, ऐसी कुछ चीजें ले आता ना, इतने पैसे हमने पटाखों में लगा दिए, इनको जलाएंगे तो नहीं हम, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा हमने अभी तक जलाया नहीं, एक भी जलाया हमने अभी तक। तो गाइस अब आप ही कमेंट कर बताना हम क्या करें इन पटाखों को, हम जलाएंगे तो नहीं, इनको रख देंगे बॉक्स में पैक करके, या फिर क्या करें आप ही बताना कमेंट करके, जो आप लोग बोलोगे जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आएंगे। जैसे आपको पता है इस बार इंडिया में क्रैकर मतलब पटाखे वो बैन कर दिए गए, और ये देखो हमारा भरा ये कल पटाखे फाड़ने की सोच रहा है। और धुआं धुआं हो जाता है आपको पता ही है। नेक्स्ट अपडेट है वो अपनी तरफ से ही है कुछ। सो गाइस आज हम रास्ता ही भटक चुके हैं जंगल में, और आप बड़ी वाली क्लिप देख लो। सो भाई मेरे ये देख सकते हो अभी हम कहाँ पे रुके हुए हैं। भाई हम वन पे रुके, वन में, वन में रुके, ये वन नहीं होता, जंगल को वन बोलते हैं। मुझे इतनी हिंदी तो आती नहीं है, जंगल को वन बोलते हैं उल्लू, चौबीस घंटे बकवास बस बकवास। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। सो भाई जो भी अपने अपने इंग्लिश मीडियम को छोड़ के हिंदी मीडियम भाई है, यानी कि ईश्वर मेरे जैसे भाई जो फॉरेस्ट को वन बोलते हैं। हाँ, फॉरेस्ट नहीं बोलते हम, जंगल बोलते हैं भाई। जो जंगल को वन बोलते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगर तो आपको व्लॉग पसंद है, वो व्लॉग पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और भाई नहीं भी आया हुआ तब भी देख लेना प्लीज भाई, बड़ी मेहनत लगी है इस चरेगी। सो चलो चलते कार और मिलते फिर आपसे।